व्हाट इज सबनेट मास्क? सबनेट मास्क क्या होता है? कोई आइडिया? कोई मुझे मैसेज में बताया कि सबनेट मास्क क्या होता है? हम सब लोगों को बताया कोई कि सबनेट मास्क क्या है, ताकि पता चल सके सबनेट मास्क क्या है। हेलो, इट इज यूज टू स्पेसिफाई हाउ मेनी बिट्स आर फॉर नेटवर्क और फॉर होस्ट। सबनेटिंग निकालता है। देखिए, सबनेट मास्क का इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं आईपी एड्रेस के अंदर नेटवर्क के और होस्ट के बिट को फिक्स करने के लिए। सबनेट इज यूज्ड फॉर फिक्स नेटवर्क एंड होस्ट बिट इन आईपी एड्रेस। सबनेट मास्क का इस्तेमाल आईपी एड्रेस के अंदर नेटवर्क के बिट को और होस्ट के बिट को फिक्स करने के लिए किया जाता है। इससे अपन को एक बात और समझ में आती है। वो बात क्या है कि आईपी एड्रेस के अंदर दो प्रकार की बिट होती है। आईपी एड्रेस हैव टू आईपी एड्रेस के अंदर दो प्रकार की बिट्स होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो नेटवर्क बिट और एक होती है अपनी होस्ट बिट। एक तो होती है नेटवर्क की बिट और एक होती है होस्ट की बिट। अब नेटवर्क की बिट कौन सी होती है और होस्ट की बिट कौन सी होती है, और इन बिट के फिक्स होने से अपन को क्या है, क्या अपना कुछ लेना देना है इन बिट को फिक्स होने से, इन बिट के होने से आईपी एड्रेस पे क्या फर्क पड़ेगा, वही आज अपन को समझना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक कंप्यूटर का आईपी टाइप करता हूँ, मैंने कंप्यूटर को मैनुअल आईपी दिया 10.0.0.1, ठीक है, और दूसरे कंप्यूटर को मैंने आईपी दिया है 40.0.0.2, ठीक है। अब होने को तो ये दोनों क्या कौन से हैं? एक ही क्लास के आईपी हैं। ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? मैसेज बताइए कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। ये कैसे पता चलेगा कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? तो ये क्लास ए के आईपी हैं। क्लास ए के आईपी कैसे पता चला हमें? कि ऑलवेज सी द फर्स्ट ब्लॉक, हमेशा अपन को क्या देखना है, पहला ब्लॉक देखना है। अगर पहला ब्लॉक 1 से लेके 127 के बीच में आता है तो क्लास ए है, और अगर पहला ब्लॉक 1 से लेके 127 के बीच में यहाँ पे भी आ रहा है तो ये भी कौन सा है? क्लास ए है। ठीक है, अब अगर अपन नॉर्मल तरीके से समझे, जितना भी अपन ने समझाए, तो ये आईपी भी क्लास ए से बिलोंग करता है और ये आईपी भी क्लास ए से बिलोंग करता है। तो दोनों आईपी किसके हैं? क्लास ए से बिलोंग करने वाले हैं। तो अगर कोई और बंदा होता तो वो ये समझता कि हाँ, ये भी क्लास ए का आईपी है, पहले कंप्यूटर में भी और दूसरे कंप्यूटर में भी क्लास ए का आईपी है, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि ये दोनों दो जब भी दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को अगर अपन आपको आपस में कम्युनिकेट करवाना है, तो ये रूल है कि उन आईपी एड्रेस के अंदर नेटवर्क के बिट का फिक्स सेम होना और होस्ट के बिट का डिफरेंट होना कंपलसरी है। ये रूल है, ये मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अभी अपनी नोटबुक में लिख लें या फिर इसको कहीं ना कहीं टाइप कर लें। ये रूल क्या है? आईपी कम्युनिकेशन रूल बोलता हूँ मैं इसे। ये रूल क्या है? इफ टू और मोर देन टू डिवाइसेस, इफ टू और मोर देन टू डिवाइसेस वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ वन अनादर,
नेटवर्क बिट ऑफ द आईपी एड्रेस हैज टू बी सेम और होस्ट बिट ऑफ आईपी एड्रेस हैज टू बी डिफरेंट। ये रूल आप लिख लीजिए कि जब भी दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उन डिवाइसेस के आईपी एड्रेसेस में नेटवर्क के बिट का सेम होना और होस्ट के बिट का डिफरेंट होना कंपलसरी है। नेटवर्क के बिट का सेम होना, होस्ट के बिट का डिफरेंट होना कंपलसरी है। ये बार बार रिपीट करेंगे अपन, क्या नेटवर्क के बिट का सेम होना और होस्ट के बिट का डिफरेंट होना कंपलसरी है। ये आईपी के कम्युनिकेट होने का बेसिक रूल है। अपन जितना इस रूल को याद रखेंगे उतना अपना कंफ्यूजन कम होगा। कई लोगों को आईपी एड्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। नेटवर्क के बिट का सेम होना, होस्ट के बिट का डिफरेंट होना, सिर्फ ये चीज़ याद रखने से सारे के सारे कन्फ्यूजन को अपन एंड कर सकते हैं। क्या आप सबने इसको स्क्रॉल यू आप पेज ले लो सर, इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें, लेकिन ये याद रखने वाली चीज़ है। इससे अपना सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। एक बार आप अपने नोटबुक में अगर आपने लिखा है तो उस नोटबुक को साथ लेकर बैठे हैं आप, जो आईपी के आपकी नोटबुक है जिसमें आपने लिखा हुआ होगा पहले से कि आईपी एड्रेस में पांच क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो वो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, ये भी अपन को ध्यान में रखना है। तो वो आपके पास साइड में ओपन होना चाहिए ताकि अपने एग्जाम्पल पे अपन अच्छे तरीके से काम कर सकें। ये जलालुद्दीन नजारी को सही से दिख रहा है, स्क्रॉल अप कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अभी अपना आईपी का भी वैसे पूरा नहीं हुआ है, तो अपन को दोनों जहां तक आपका आईपी समझाया था वहां तक आपको समझना जरूरी था। अब सबनेट मास्क के साथ अपना बाकी आईपी का भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आईपी के अंदर आपको क्या बताया था कि आईपी एड्रेस हैव फाइव क्लासेस बताया था आपको। ठीक है, और ये क्लासेस कौन सी थी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और लास्ट में अपनी आती थी क्लास ई। ठीक है ना, और इन सब की रेंज भी बताई थी आपको कि एक से कहाँ तक है, 127 तक है, फिर उसकी भी बताई थी 128 से 191 तक है।
उसके बाद बताया था आपको 192 से 223 तक है। फिर उसके बाद बताया था आपको कि 239 से, या सॉरी 224 से 239 तक है। फिर उसके बाद बताया था आपको 240 से 255 तक, ये बताया था अपन को। ठीक, इसमें जो क्लासेस हैं अपने पास, क्लास ए बी सी डी ई, इनमें से जो शुरू की तीन क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, ये हैं अपने पब्लिक यूज के लिए। किसके लिए यूज के लिए हैं? पब्लिक यूज के लिए, यूज पब्लिक, यूज पब्लिक यूज लिख देता हूँ मैं सिंपली। अभी मैं पब्लिक यूज वर्ड यूज में लेता हूँ, फिर मैं आपको उसको और बताऊंगा। और जो अपनी चौथी क्लास है, ये इस्तेमाल में आती है ब्रॉडकास्ट के। और जो फिफ्थ क्लास है लास्ट, उसमें चल रही है रिसर्च के, उसको कैसे यूज में लिया जाए। तो अपने पास पांच क्लासेस हैं, पांच क्लासेस में से अपने पास जो शुरू की तीन क्लास है, क्लास ए बी सी, ये आ रही है अपने लिए पब्लिक यूज के लिए। और जो क्लास डी है, ये है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। और जो क्लास ई है, ये है रिसर्च के लिए। इसको भी लिख लें आप। पब्लिक यूज का मतलब ये है कि अभी पूरी दुनिया में जो भी इंटरनेट वगैरह चल रहा है, अगर वो इस वर्जन पे चल रहा है, आईपी के वर्जन 4 पर चल रहा है, ठीक है, तो आईपी के वर्जन 4 पे चल रहा है, तो वो क्लास ए बी और सी में से लिया हुआ आईपी है। ठीक है, क्लास डी आती है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो कास्ट सिस्टम कितने होते हैं? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कास्ट सिस्टम। इन नेटवर्क तीन टाइप के क्या है अपने पास कास्ट सिस्टम है, जिनमें सबसे पहला आता है यूनिकास्ट, फिर आता है अपना मल्टीकास्ट, फिर आता है अपना ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। तो आप में से जिसको भी यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट के बारे में पता हो, वो क्या करेगा? खुद को अनम्यूट करेगा और हमें बताएगा कि क्या क्या है वो, जिसको भी आता है। आप में से जिसको भी यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट की डेफिनेशन या फिर उसको समझाना आता हो, तो वो क्या करेगा? ये है रहीम मिर्जा, इन्होंने यूनिकास्ट के लिए बोला है 1-to-1, ठीक है, 1-to-many और 1-to-all, बिल्कुल सही है एकदम। यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है? यूनिक, यूनिक आया फॉर यूनिक से, यानी एक से एक, एक से एक को। कास्टिंग का मतलब क्या होता है? ब्रॉडकास्ट या फिर कास्टिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को भेजना। इसका सिंपल सा एग्जांपल अपन थोड़ा सा अलग लेते हैं, जो अपन रेगुलर लाइफ में यूज में लेते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि अभी अपन लोगों ने क्या किया है, घर पे अपन बैठे हुए थे लॉकडाउन में, तो अपन ने क्या किया, जो पुराने अपने भाई की, सिस्टर की या मम्मी पापा की जो शादी की कैसेट थी, वो अपन ने घर पे सीडी डीवीडी में डाली या पेन ड्राइव से लगाई अपने घर के टीवी में और उसको देख लिया। नॉर्मल अपन ये सब करते हैं। ये तो हो गया यूनिकास्ट। ये यूनिकास्ट कैसे हुआ? एक से एक को, बस अपन ही देख रहे हैं और कोई नहीं देख रहा। मल्टीकास्ट का मतलब क्या हो गया कि अपने लोकल जो डिश केबल वाला है, उसने क्या किया, कोई नई मूवी लगा दी उसके लोकल चैनल पे, वो क्या हो जाएगा? मल्टीकास्ट। ठीक है, और ब्रॉडकास्ट क्या हो गया? अगर मेरे घर में आज 12 बजे सेट मैक्स पे सूर्यवंशम आ रही है, तो आपके वहां पे, आपके घर में भी सेट मैक्स पे कौन सी मूवी आ रही है? सूर्यवंशम ही आ रही है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ब्रॉडकास्ट। लेकिन ये देखने का नजरिया है कैसे है कि अगर मैं घर पे बैठा हुआ हूं,
और घर पे बैठ के हम सारे परिवार वाले शादी की कैसेट देख रहे हैं, तो उस टाइम पे सब ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि टीवी है कि देखने वाले सारे हैं उस घर में। ठीक है, अगर अपन डिश वाले की नजर से देखें, अगर अपन डिश वाले की एंगल से देखेंगे, तो डिश वाले के पास चैनल है के, और वो अपने सारे कनेक्शन को क्या दे रहा है, मूवी दे रहा है, तो वो भी अपनी नजर में क्या कर रहा है, सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, और रियल में जो ब्रॉडकास्टिंग करता है वो तो करता ही है। तो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ये दोनों एंगल वाइज चेंज हो जाते हैं कि कब कहाँ पे कौन सी चीज हो रही है, समझ गए आप। अगर कोई चीज छोटे लेवल पे हो रही है तो वो उसकी नजर में तो ब्रॉडकास्ट है, लेकिन बड़े लेवल की नजर में वो यूनिकास्ट भी हो सकती है और वो मल्टीकास्ट भी हो सकती है। लेकिन अपन ये समझ के रखेंगे जो यहाँ पे रहीम के मिर्जा ने दिया है कि यूनिकास्ट का मतलब होता है एक ने डेटा सेंड किया और एक को ही मिला, और मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है कि डेटा सेंड करने वाला एक है लेकिन सबको नहीं कुछ को मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है कुछ को मिल रहा है। और ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है कि डेटा सेंड करने वाला एक है लेकिन मिल किसको रहा है, सबको मिल रहा है। ठीक है, तो ये होता है यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। तो क्लास डी जो है अपनी वो यूज में आती है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। अब आप मुझे एक ऐसी सिचुएशन बताएं जहां पे क्लास डी का इस्तेमाल हो रहा होगा अभी प्रेजेंट टाइम पे। टाइप कर सकते हैं आप अभी प्रेजेंट टाइम की कोई ऐसी सिचुएशन बताएं जहां पे ब्रॉडकास्टिंग आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हो रहा होगा। सर ब्रॉडकास्टिंग आईपी एड्रेस का, रेडियो तो ठीक है, रेडियो तो वेव्स पे काम करते हैं, सिग्नल्स पे, केबल ऑपरेटर्स, ये भी सही है केबल ऑपरेटर्स, लेकिन उसमें आईपी का इस्तेमाल बताएं आप मुझे। आप एग्जांपल सही दे रहे हैं, रेडियो भी सही एग्जांपल है, केबल भी सही एग्जांपल है कि सेंड करने वाला है कि रिसीव करने वाले सारे हैं। ठीक है, रेडियो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, एफएम, ठीक है ना। केबल ऑपरेटर्स जो है वो सिर्फ वायर लगा दिया उन्होंने, सेट टॉप बॉक्स उनका काम हो रहा है। मैं उसके आईपी की बात कर रहा हूँ जो क्लास डी में आईपी हो रहा है। हमारी मीटिंग में जो हो रहा है वो वेब होस्टिंग हो रही है, वेब की तरफ से हो रहा है वो सब, उसमें आईपी का इस्तेमाल बताएं आप। व्हेन अ पैकेट कम्स इन नेटवर्क बट देयर आर नो स्पेसिफिक आईपी एंड स्विच ब्रॉडकास्ट द पैकेट, ये स्विच की डेफिनेशन होती है एक तरीके से। ठीक है, वैसे आप सबके आंसर सही है, किसी का भी आंसर गलत नहीं है, सबके आंसर सही है। लेकिन आईपी की नजर से देखा जाए तो जो अपने सीसीटीवी कैमरास की फुटेज है वो ब्रॉडकास्टिंग पे काम करती है, ये एकदम सिंपल सा एग्जांपल है। जो भी अपने सीसीटीवी रहते हैं, जो अपन कैमरास फिट करवाते हैं, ठीक है ना, वो सीसीटीवी क्या करते हैं कि अपने पास ये एक कैमरा है, ठीक है, उसके बाद ये एक कैमरा है, ठीक है, उसके बाद ये एक कैमरा है, ठीक। ये सारे कैमरे जो हैं इन सब की जो रिकॉर्डिंग है वो सारे इस डीवीआर पे आ रही है, ठीक है, और ये सारे अपन को एलईडी पे दिखाई दे रहे हैं एक साथ। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे जो डीवीआर रहते हैं, इन सारे कैमरे को एक ही डीवीआर पे रिपोर्ट करना रहता है, और वो डीवीआर जो रहता है उसका आईपी जो रहेगा वो क्या रहेगा, 244.254.254.254। नॉर्मली डिफॉल्ट जो आईपी आता है वो ये आता है किसी भी डीवीआर में। डीवीआर क्या चीज़ होती है, अपने कैमरे जो रहते हैं, कैमरे से जो वायर निकलता है, वायर निकल के डीवीआर पे जाता है, फिर एक वायर डीवीआर से निकल के अपने एलईडी स्क्रीन पे जाता है, या टीवी पे जाता है, या मॉनिटर स्क्रीन पे जाता है, जहाँ पे अपन को सारी चीज़ें दिख जाती हैं। तो उस डीवीआर के अंदर ही अपनी हार्ड डिस्क भी लगी होती है, उस हार्ड डिस्क में अपना जितना भी वीडियो फुटेज रहता है वो स्टोर होता रहता है, और अगर वो फुल हो जाता है तो उसको वो डिलीट भी करता रहता है। डीवीआर उन सारे कैमराज को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, ठीक है। अब अपने जो सीसीटीवी फुटेज रहते हैं, कई लोग उसको घर बैठे भी देख लेते हैं, ऑनलाइन भी देख लेते हैं, कई लोग उसको अपने फ़ोन में भी देख लेते हैं, कहीं से भी चेक कर लेते हैं, तो वो ये ब्रॉडकास्ट आईपी उस डीवीआर कंपनी के द्वारा दिए गए सॉफ्टवेयर में डालते हैं, ठीक है। अगर मेरी कंपनी आज सीसीटीवी का काम कर रही है तो मेरी कंपनी क्या करेगी, सीसीटीवी भी बनाएगी, डीवीआर भी बनाएगी, केबल भी बनाएगी, सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग करेगी, साथ साथ में उन सबको मेंटेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी बनाएगी, ठीक है ना। वो सॉफ्टवेयर कस्टमर को दिया जाएगा, कैमरेज भी कस्टमर के यहाँ लगेंगे, और वो जो सॉफ्टवेयर दिया जाएगा उसके माध्यम से वो कस्टमर क्या कर सकता है, कहीं से भी अपने शॉप को, अपनी दुकान को, जहाँ पे भी उसने सीसीटीवी कैमरे लगाया, उन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देख सकता है, लाइव लाइव फुटेज वो देख सकता है,
रिकॉर्डिंग नहीं देख सकता, लेकिन वो कौन सी देख सकता है, लाइव फुटेज देख सकता है, और किसी किसी कंडीशन में वो रिकॉर्डिंग भी देख सकता है। वो डिपेंड करता है कि अपन वो कंपनी जो है, मेरी कंपनी जो है वो अपने कस्टमर से कितना चार्ज ले रही है, कितना इस तरह उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रही है। तो अपन कास्टिंग सिस्टम पे थे, यहाँ पे अपने क्लास जी के कास्टिंग सिस्टम को समझ लिया है। क्लास अपने पाँच है, क्लास ए 1 से लेके 127 तक है, क्लास बी 128 से 191 तक है, क्लास सी 192 से लेके 223 तक है, क्लास डी 224 से लेके 239 तक है, और क्लास ई 240 से 255 तक है। अभी प्रेजेंट टाइम पे क्लास ए बी और सी जो है ये अपने लिए यूजेबल है, ब्रॉडकास्टिंग भी यूजेबल है, लेकिन उसको अपन खुद यूजर यूज़ नहीं करता है, वो डिवाइसेस के थ्रू यूज में ली जाती है, जैसे रेडियो भी, स्विच भी है, ठीक है, ये अपनी मीटिंग है, ये जितने भी अपने पास आंसर आए हैं, और उसके अलावा जितने भी आंसर आपके दिमाग में चल रहे हैं वो ज़्यादातर आंसर में ब्रॉडकास्टिंग यूज में ली जाती है। रिसर्च का मतलब ये है कि अभी जो क्लास ई है उसको कैसे यूज में लिया जाए, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, वो अपना रिसर्च उस पर चल रही है। अब यहाँ पे सबनेट मास्किंग किस लिए काम में आएगी, तो सबनेट मास्क का मतलब अपन यहाँ पे सिंपल सिंपल सा समझ सकते हैं कि क्लास ए है, ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला सिंपल सा चला है, वो फॉर्मूला क्या था कि नेटवर्क के बिट का सेम होना और होस्ट के बिट का डिफरेंट होना दो आईपी एड्रेस के अंदर बेहद जरूरी है। अगर मुझे 10.0.0.1 को किसी से कम्युनिकेट करवाना है तो नेटवर्क के बिट का सेम होना और होस्ट के बिट का डिफरेंट होना कंपलसरी है। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इस 10.0.0.1 के अंदर कितनी बिट तो नेटवर्क की है और कितनी बिट होस्ट की है। अगर रूल ये है कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाना है, उन दोनों डिवाइसेस के आईपी एड्रेस में नेटवर्क के बिट का सेम होना और होस्ट के बिट का डिफरेंट होना कंपलसरी है, तो मुझे पहले ये तो पता चले कि मेरे आईपी एड्रेस में ये जो 10.0.0.1 मेरे सामने टाइप हुआ हुआ है या लिखा हुआ है, इसके अंदर कौन से बिट नेटवर्क की और कौन से बिट होस्ट की, ये मुझे पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे जो नेटवर्क के बिट जो डिवाइड होती है वो कैसे डिवाइड होती है, ब्लॉक वाइज 10 अलग ब्लॉक है, डॉट जीरो अलग ब्लॉक है, डॉट जीरो अलग ब्लॉक है, और डॉट वन अलग ब्लॉक है। तो 10 यहाँ पे एक ब्लॉक है, जीरो फिर अलग है, जीरो फिर अलग है, फिर वन अलग है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नेटवर्क की बिट अगर ऑन होगी तो वो पर्टिकुलर एक ब्लॉक के अंदर ऑन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबनेट क्या दिया है, क्लास ए का 255.0.0.0, यहाँ पे 255 क्या है, 255 है नेटवर्क बिट, ठीक है, और जीरो का मतलब क्या है, होस्ट बिट, नेटवर्क बिट और होस्ट बिट, नेटवर्क बिट और होस्ट बिट। अगर किसी सबनेट मास्क में 255 टाइप हुआ हुआ है तो वो नेटवर्क की बिट है, और अगर किसी सबनेट मास्क में जीरो टाइप हुआ है तो किस में वो क्या है, उसी सबनेट मास्क में जीरो टाइप हुआ है तो वो होस्ट की बिट है। अब अपन इसको कैसे चेक करेंगे, आईपी एड्रेस भी अपना चार ब्लॉक के अंदर डिवाइडेड है और अपना सबनेट मास्क भी चार ब्लॉक के अंदर डिवाइडेड है। इसका मतलब यहाँ का पहला ब्लॉक को ये वाला ब्लॉक स्पेसिफाई करता है, सेकंड ब्लॉक को सेकंड ब्लॉक स्पेसिफाई करता है, थर्ड ब्लॉक को थर्ड ब्लॉक स्पेसिफाई करता है, और लास्ट वाले ब्लॉक को लास्ट वाला ब्लॉक स्पेसिफाई करता है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 255 या 255 नेटवर्क की बिट है तो अपना नेटवर्क कौन सा हो गया, 10, यानी नेटवर्क की बिट कौन सी हो गई, 10, और अगर जीरो होस्ट की बिट है तो 0.0.0, बाकी के तीनों बिट कौन से हैं, होस्ट के। इसका मतलब क्या हो गया कि 10 तो नेटवर्क की बिट है लेकिन बाकी का 0.0.1 क्या है, होस्ट की बिट है, ठीक। तो इससे मुझे इस बात समझ में आती है कि अगर मुझे 10.0.0.1 वाले कंप्यूटर को किसी से कम्युनिकेट करवाना है तो उसकी पहली शर्त यह है कि उस कंप्यूटर का आईपी भी किससे स्टार्ट होना चाहिए, 10 से। किससे स्टार्ट होना चाहिए उसका आईपी, 10 से। तो अपन क्या करेंगे, दूसरे कंप्यूटर का आईपी डालेंगे 10.0.0. लेकिन 1 नहीं डाल सकते अपन, क्योंकि एक और उसी रूल के अंदर है कि नेटवर्क के बिट का सेम होना और होस्ट के बिट का डिफरेंट होना कंपलसरी है। तो 10 तो अपने नेटवर्क की बिट सेम टू सेम हो गई, पहले कंप्यूटर में भी 10 है, दूसरे कंप्यूटर में भी 10 है, ठीक है।
लेकिन होस्ट के बिट में अपन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंजेस कर देंगे, वो क्या हो जाएगा टू। तो 10.0.0.1 जो है वो 10.0.0.2 से क्या कर लेगा, कम्युनिकेट कर लेगा। 10.0.0.1 जो है वो किससे कम्युनिकेट कर लेगा, 10.0.0.2 से। अब जैसा मैंने रूल बताया था, नेटवर्क के बिट का सेम होना, होस्ट के बिट का डिफरेंट होना कंपलसरी है, ठीक। तो उसमें कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। वो कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस ब्लॉक, इस वाले आईपी के अंदर ये 10 नेटवर्क की बिट में है, ठीक है, और इस वाले आईपी के अंदर भी ये 10 नेटवर्क की बिट में है। ये अपन को कैसे पता चलेगा कि शुरू में यहाँ पे 255 आ रहा है, यहाँ पे भी 255 आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.0.1 होस्ट की बिट है और 0.0.2 भी होस्ट की बिट है। तो ये 0.0 तो सेम है, सिर्फ 1 और 2 ही तो अलग हुआ। तो रूल के अंदर ये है कि होस्ट के बिट का डिफरेंट होने का मतलब ये है कि होस्ट की कोई सी भी बिट डिफरेंट हो सकती है। यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि होस्ट की बिट अपनी कितनी आ रही है, 3 ब्लॉक में आ रही है, ठीक है। उन 3 ब्लॉक में कोई सी भी बिट चेंज हो जाए वो चेंज ही मानी जाएगी, उन 3 ब्लॉक में कोई सी भी बिट चेंज हो जाए वो चेंज ही मानी जाएगी। ये आ गया आप सबको समझ में कि सबनेट मास्क क्यों जरूरी है। सबनेट मास्क नहीं है तो अपन दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट नहीं करवा सकते। मुझे मैसेज में बताओ कि आया नहीं आया, दोबारा बताना क्या है। सब लोगों का मैसेज नहीं आया है, सब जल्दी से बता दो। ठीक है, तो मोस्टली सबको आ गया है, सब क्लियर है। प्रैक्टिस कर लेते थोड़ी सी। मैं यहाँ पे क्लास टाइप करके रखता हूँ, ठीक है। सिर्फ क्लास ए, ये कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 127, ठीक है। क्लास बी, ये कहाँ से कहाँ तक है, 128 से 191। क्लास सी कहाँ है, 191 से 223 तक है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको यहाँ पे सबनेट मास्क भी टाइप कर देता हूँ अलग अलग क्लास के। क्लास ए का सबनेट मास्क 255.0.0.0 है, क्लास बी का सबनेट मास्क जो है, फॉर श्योर ये आपने पहले पढ़ रखा है, अपन एज ए रिविजन नहीं पढ़ रहे इसको, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम फेस हो रहे थे। ठीक है सर, लो तो ये अपने पास क्लास ए लिखा है, मैंने टाइप किया है, सॉरी, क्लास
क्लास ए टाइप क्या है मैंने, वन से लेके 127 तक है, क्लास बी 128 से 191 तक है, क्लास सी 192 से लेके 223 तक है, क्लास ए का सबनेट मास्क है 255.0.0.0, क्लास बी का सबनेट मास्क है 255.255.0.0, क्लास सी का सबनेट मास्क है 255.255.255.0। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ आपके लिए कुछ आईपी, वो आप ऐसा मानेंगे कि यहाँ जो ऊपर आईपी टाइप है 10.0.0.1, ये एक कंप्यूटर का आईपी है, और यहाँ जो नीचे दूसरा आईपी टाइप है ये दूसरे कंप्यूटर का आईपी है, ये दूसरे कंप्यूटर का आईपी है। अब ये दो कंप्यूटर है अपने पास, एक पहले कंप्यूटर का आईपी है 10.0.0.1 और दूसरे कंप्यूटर का आईपी है 10.0.0.5। क्या ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे, मैसेज में बताइए मुझे, क्या ये दोनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे 10.0.0.1। कई लोग शॉर्टमैन को 10.1 और 10.5 भी बोलते हैं, वो भी सही है। वेरी गुड, सभी को पता चल गया भाई कि दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 110 कर दूँ तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे, 10.0.0.1 और दूसरे कंप्यूटर का आईपी है 110.0.0.0.5। पर दोनों तो क्लास ए के ही हैं, दोनों क्लास ए से बिलोंग करते हैं। आप देखो इधर मैंने टाइप कर रखा है, क्लास ए जो है 1 से लेके 127 तक है, ये 10 से स्टार्ट है, ये भी क्लास ए में आ रहे हैं, ये 110 से स्टार्ट है, ये भी क्लास ए में आ रहे हैं, तो ये क्यों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। नेटवर्क अलग है, ये सही आंसर है एकदम, नेटवर्क अलग है। नेटवर्क कैसे पता चलता है अपन को, सबनेट मास्क से। अपन को यहाँ पे साथ में सबनेट मास्क भी देखना पड़ेगा कि 255.0.0.0, यहाँ पे 255.0.0.0 लगाते हैं अपन। टू फाइव फाइव डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो ठीक है, और यहाँ पे भी 255.0.0 लगाते हैं अपन। अब देखें आप, तो अब अपन क्या समझ रहे हैं कि 255 पहले ब्लॉक में, इसका मतलब दोनों तरफ नीचे पहले ब्लॉक में 255 है, इसका मतलब पहले ब्लॉक का सेम होना कंपलसरी है। बाकी तीन में अपन चेंजेस कर सकते हैं, तो बाकी तीन में अपने ऑलरेडी चेंजेस है, 0.0.1 और 0.0.5 अलग है, पहले ब्लॉक में 10 है और यहाँ पे पहले ब्लॉक में 110 है। ठीक है, तो ये तो आप सभी लोग बहुत अच्छे पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी चीजें करते हैं आप, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। काफी जल्दी आंसर दे देते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। तो अपन क्या करते हैं, एक और आंसर लिखते हैं, एक और प्रैक्टिस में अपन एक और चीज पूछता हूँ मैं आपसे, वो है 172.16.0.1 और 172.15.0.2, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल मैडम,
अगर हम इन दोनों आईपी को अच्छे से समझें तो अपन ये देखेंगे कि ये 172 से स्टार्ट, इसका मतलब ये क्लास बी का आईपी है। क्लास बी का आईपी कहाँ से कहाँ तक होता है? 128 से 191, यानी 128 से 191 तक। तो ये दोनों क्लास बी के आईपी हैं, और क्लास बी का सबनेट मास्क क्या है? 255.255.0.0। अब इनके साथ इनका सबनेट मास्क लगाते हैं अपन, 255.255.255.0.0। ठीक है, और इनके साथ भी इनका सब नेटमास्क लगाते हैं अपन, 255.255.0.0। ठीक है, अब देखें आप, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शुरू के दो ब्लॉक जो है ना, उनका सेम टू सेम होना जरूरी है। 255.255 और यहाँ पे भी 255.255। यहाँ के शुरू के दो ब्लॉक में क्या आ रहा है? 172.16, और यहाँ पे क्या आ रहा है? 172.15। इसका मतलब क्या है? ये डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेट हो गए। ये 172.16 का नेटवर्क अलग है, ये 172.15 का नेटवर्क अलग है। आया नहीं आया? ये 172.16 का नेटवर्क अलग है, 172.16 172.16 से ही कम्युनिकेट करेगा। ये चीज किसने बताई अपन को? सबनेट मास्क ने, 255.255 बोल बता के। और 172.15 172.15 से ही कम्युनिकेट करेगा। ये किसने बताया अपन को बात? सबनेट मास्क ने, 255.255 बता के। ठीक है, और ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क है क्लास बी का। ये क्लास बी के आईपी एड्रेस है। ठीक, तो क्लास बी के आईपी एड्रेस जो हैं उनमें शुरू के दो ब्लॉक का सिमिलर होना कंपलसरी है, और पीछे के दो ब्लॉक का डिफरेंट होना कंपलसरी है, अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उसके हिसाब से। सर, कुड दे कम्युनिकेट इफ यू कॉन्फिगर इट इन योर राउटर्स राउटिंग टेबल? सर, सीसीएनए नहीं, नेटवर्क को आप बेसिक समझ रहे हैं अपन इमरान अली ज़दा। राउटर लगा लेंगे तो कुछ भी हो जाएगा, राउटर लगा लेंगे तो कुछ भी हो जाएगा। इसको शादी बारात की तरह समझिए आप, समझ रहे हैं? किस कैसे समझेंगे आप? शादी बारात की तरह। जैसे इमरान चौहान जो हैं, वो कभी भी अगर रिचुअल के हिसाब से देखा जाए तो श्रुति खान से शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इमरान चौहान चौहान बिरादरी में आते हैं, और श्रुति खान जो है वो खान बिरादरी में आते हैं, तो दोनों के सरनेम ही अलग अलग हैं, दोनों के जो कम्युनिटी है वो अलग अलग है। ठीक है, तो क्लास बी वाले से कम्युनिकेट करेगा, ज़रूरी नहीं है। अगर हिंदू कम्युनिटी में कोई शादी करता है तो उनको बाकी सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, कि राजपूत की शादी राजपूत में ही हो रही है, या ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण में हो रही है, या सिंधी की शादी सिंधी में हो रही है। ठीक है ना, अब बाद में लव मैरिज करके तो आप क्या कर लोगे? राउटर तो लगा ही लोगे, तो वो तो राउटर से तो कुछ भी हो जाएगा। तो अभी अपन इतना आगे नहीं गए हैं, अभी अपन यहीं तक हैं जहाँ तक समझ में आया अपन को। ये बात समझ में आई सबको? सभी को पूछ रहा हूँ मैं तो। देखिए, मेरे जो एग्जाम्पल है ना, वो थोड़े पर्सनल लाइफ पे हो सकते हैं, लेकिन काम समझ में जरूर आ जाते हैं। और जिस तरीके से आप जोश में यस सर बोल रहे हो, उससे तो ऐसा लग रहा है कि हाँ सही में समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे अपन को सिर्फ अभी तक ये बेसिक्स देखना है। आपके पास ऊपर लिखा हुआ है क्लास ए बी और सी, और नीचे उनके सबनेट मास्क लिखे हुए हैं। आप सबको उनके साथ से क्या करना है? देखना है कि वो कम्युनिकेट करते हैं या नहीं करते। तो या तो मैं यहाँ पे 15 कर दूँ तब तो ये कम्युनिकेट कर लेंगे, या फिर मैं दोनों तरफ 16 कर दूँ तो ये कम्युनिकेट कर लेंगे। इसके अलावा अगर मैं ऊपर 15 नीचे 16, या नीचे 16 ऊपर 15 करेंगे, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ये क्लियर हो गया आपका सबनेट मास्क वाला? फिर आगे वाला एग्जांपल देखते हैं अपन, क्लास सी का। तो क्लास सी का भी एक आईपी उठाते हैं अपन, तो उठा लेते बेसिक सर जो अपन हमेशा से पढ़ते हैं, 192.168.1.1। बताइए, दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे?
अगर एक कंप्यूटर का आईपी है 192.168.1.1 और दूसरे कंप्यूटर का आईपी है 192.168.0.2, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे ये? आरजेएस, आज फिर आपने छोटा नाम लिख दिया। ओ सभी ने नो बोला है, ठीक है, बढ़िया है। हाँ तो ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे, थर्ड ब्लॉक अलग है, वेरी गुड। कि पहले तो अपन देखेंगे कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। 192, 192 आता है क्लास सी की रेंज में। क्लास सी का सबनेट मास्क क्या है? 3 बार 255 और 1 बार 0, 3 बार 255। तो 3 बार 255 सिंपल सा है। ठीक है, और नीचे भी यही है। तो ये भी सिंपल है। तो ये दो अलग अलग कंप्यूटर हैं जिनके आईपी है 192.168.1.1 और 192.168.0.2। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। आगे समझ में? वेरी गुड, बहुत 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 ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं आप लोग। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अब मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0 और यहाँ पे भी कर देता हूँ मैं 0 और 0। अभी आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे ना। इस टेकल को समझ नहीं आया, अभी बताते हैं। अब तो सही है। चलो ठीक है, सेम हो रहा है। ये लो यहाँ पे वन कर दिया। अब कि एक कंप्यूटर का आईपी है 192.168.0.1 और दूसरे कंप्यूटर का आईपी है 192.168.0.0, अब कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे? 0 को नहीं रख सकते किसी भी आईपी के लास्ट ब्लॉक में। अपन सिर्फ 0 को नहीं रख सकते हैं, कोई ना कोई न्यूमेरिक होना चाहिए जो 0 ना हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो। वेरी गुड, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ 255। अब बताइए, अब हो जाएगा? अगर एक कंप्यूटर का आईपी है 192.168.0.1 और दूसरे कंप्यूटर का आईपी है 192.168.0.255, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। वेरी गुड, इसका आंसर भी सही दे रहे हैं, क्योंकि जो 255 है वो ब्रॉडकास्ट आईपी में आ गया। वो अपन को ये बता रहा है कि ये आईपी यहीं तक काम करेगा। तो ना तो अपन किसी भी आईपी के लास्ट में, लास्ट वाले ब्लॉक में, ना तो सिर्फ अपन 0 को यूज में ले सकते हैं और ना अपन 255 को यूज में ले सकते हैं। हम लोग सिर्फ 1 से 254 तक के जो न्यूमेरिक है उनको ही यूज में ले सकते हैं, उसके अलावा किसी और को यूज में नहीं ले सकते। तो पहली बात तो नेटवर्क आईडी वाली बात कि 192.168.0.0 नहीं रह सकता, क्योंकि ये कोई आईपी नहीं है। ये अपन को ये बता रहा है कि यहाँ से 192.168.0 वाली सीरीज शुरू होगी और ये जो लास्ट वाला 255 है ये अपन को ये बता रहा है कि यहाँ पे जाके वो खत्म हो जाएगी, यानी कि वो रुक जाएगी। ठीक, तो ये आईपी तो है अपना 0 वाला नेटवर्क आईडी, और जब भी किसी आईपी के लास्ट में अपन 255 देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ब्रॉडकास्ट आईडी, क्योंकि अपन का ब्लॉक हमेशा किससे फिल हो जाते हैं? डायरेक्टली 255 से फिल हो जाते हैं। अपने पास 8 बिट रहती है, 128 64 32 16 8 4 2 1, उन सबका टोटल होता है 255। तो ये वो 255 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? ब्रॉडकास्ट आईडी बोलते हैं। ये आ गया समझ में? अब फिर सबनेटिंग बताएंगे आपको।